पुष्पी जी, बहुत स्वागत है आपका। पहले तो बताएं कि गिफ्ट सिटी का जो है फंक्शन, उसमें आपका क्या रहेगा? सबसे पहले तमारो खूब खूब आभार, मने आमंत्रण मुकवा माटे। देखिए, गिफ्ट सिटी में भारतीय निर्यात आयात बैंक ने अपनी एक सब्सिडी स्थापित की है, जिसका नाम है इंडिया एग्जिम फिनसर IFSC प्राइवेट लिमिटेड। ये सब्सिडी फैक्टरिंग उत्पाद के लिए स्थापित की गई है, जहां पर हम भारतीय निर्यातकों को फैक्टरिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। अब फैक्टरिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराने के पीछे जो हमारा मकसद है, जो हमारे हमारे पास जो उपलब्ध जानकारी है, उसके हिसाब से अगर आप देखें, भारत में 2022 में लगभग 15.7 बिलियन यूरो का फैक्टरिंग बिजनेस हुआ है। अगर इसी को हम और आगे देखें तो इसमें जो घरेलू फैक्टरिंग का हिस्सा रहा है वो 14.8 बिलियन यूरो का रहा है। इस अर्थात जो अंतरराष्ट्रीय फैक्टरिंग का स्थान रहा है वो लगभग 950 मिलियन यूरो का रहा है। लेकिन अगर आप इसको पिछले काफी वर्षों की फैक्टरिंग बिजनेस से कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि 2016 में ये मात्र 120 मिलियन यूरो का फैक्टरिंग बिजनेस होता था भारत में अंतरराष्ट्रीय फैक्टरिंग का, जो अब बढ़कर 950 मिलियन यूरो का हो गया है। अर्थात हमारे भारत में अंतरराष्ट्रीय फैक्टरिंग का स्तर का लगभग 8 गुना बड़ा है। इसका मतलब हमारे यहाँ भारत में फैक्टरिंग को अपनाया जा रहा है धीरे धीरे, और फैक्टरिंग की संभावना, नई नई संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। तो सर, ये बताएं कि ये जो आपका स्टेप है वो क्लाइंट्स को कैसे हेल्प करेगा? देखिए, फैक्टरिंग में एक इंडियन एक्सपोर्टर है, भारतीय निर्यातक है, एक एक विदेश में बैठा हुआ आयातक है जो भारतीय निर्यातक से सामान खरीद रहा है। देखिए, ज्यादातर जो अंतरराष्ट्रीय ट्रेड है, व्यापार है, वो 3 तरीके से संभव होता है। देखिए, एक सबसे पहले तो ये है कि भारतीय निर्यातक और विदेश में बैठा आयातक एक दूसरे को जानते नहीं है, वो ट्रेड कर रहे हैं, तो भारतीय निर्यातक कहता है कि भाई आप मुझे एडवांस में पैसा दे दीजिए और मैं तब उसके सामने सामान भेजूंगा। ये पहली संभावना है। दूसरी संभावना है बैंकों के जरिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने की, जहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट खोली जाती है और उस लेटर क्रेडिट के बिहार पर भारतीय निर्यातक विदेश में अपना सामान बेचता है। एक तीसरी होती है ओपन ट्रेड। ओपन ट्रेड में जहां पर भारतीय निर्यातक और विदेश में बैठा आयातक दोनों को एक दूसरे पर भरोसा होता है, वो कहते हैं ठीक है, मैं आपको ये सामान भेज रहा हूं, आप इसके बदले में मुझे पैसा दे दीजिए। लेकिन उस पैसे को मिलने के लिए भारतीय निर्यातक को समय लगता है और उसके लिए एक जोखिम भरा भी है। यहां पर इंडिया एग्जिम IFSC फिनसर्व एक फैक्टरिंग उत्पाद लेके आया है, जहां पर भारतीय निर्यातक को जिस दिन वो बिल करेगा, जिस दिन वो सामान भेजेगा, उसी दिन वो अपना पैसा ले सकता है। और यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि अभी हम जो फैक्टरिंग का उत्पाद लेके आ रहे हैं, हम उसमें नॉन रिकोर्स के माध्यम से लेके आ रहे हैं, यानी भुगतान का जोखिम हम भारतीय निर्यातक से हटाना चाहते हैं और भारतीय निर्यातक का कैश फ्लो मजबूत करना चाहते हैं, जिससे उसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल और बढ़ सके, अपने वर्किंग कैपिटल लिमिट को वो और ज्यादा यूटिलाइज कर सके और फैक्टरिंग के माध्यम से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके। जी, अच्छा, तो ये एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ फॉर एक्सपोर्टर्स हो जाएगा, और उनको एक बिजनेस और एक्सपोर्ट बढ़ सके, उसके लिए ये आपने अच्छे स्टेप्स लेने की कोशिश की है। सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।